हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो का टॉपिक होगा पार्शियल फ्रैक्शंस। इसके टोटल चार टाइप्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम समझेंगे व्हाट इज फ्रैक्शन। कोई भी एक्सप्रेशन है विच इज इन द फॉर्म ऑफ पी एक्स अपॉन क्यू एक्स, जहाँ पी एक्स और क्यू एक्स दोनों पॉलिनोमियल्स होंगे ऑफ एनी डिग्री, इज कॉल्ड फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल दिस, देखिए इसमें एक्स स्क्वायर, यहाँ ऊपर क्वाड्रेटिक होगी, नीचे भी क्वाड्रेटिक होगी, ऊपर भी क्वाड्रेटिक, नीचे भी क्वाड्रेटिक, एज दिस। ओके, ये दो तरह की होगी, एक प्रॉपर होती है, एक इम्प्रॉपर। ये प्रॉपर होगी इफ डिग्री ऑफ क्यू एक्स इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ पी एक्स, देन दिस इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इसमें पी एक्स की डिग्री 1 है और यहाँ नीचे क्यू एक्स है क्वाड्रेटिक, मीन्स इसकी डिग्री 2 हो गई। नेक्स्ट इज इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर में क्या होगा, अगर डिग्री ऑफ क्यू एक्स इज इक्वल होगी और लेस देन होगी ऑफ डिग्री पी एक्स, तो इसे हम बोलेंगे इम्प्रॉपर। ओके, जैसे हमारे पास आ गया, देखिए ऊपर आ गया एक्स स्क्वायर और नीचे भी एक्स स्क्वायर, मीन्स दोनों की डिग्री क्या होगी 2, दैट मीन्स इसकी डिग्री इक्वल होगी, तो ये बन जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे इसमें है एक्स क्यूब और नीचे क्यू एक्स की डिग्री है 2, तो ये भी होगा इम्प्रॉपर। क्लियर? और इस केस में जब भी हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आएगी, तो इस केस में हम लॉन्ग डिविजन से इसको सॉल्व करेंगे। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। आगे करते हैं हम क्वेश्चन। टाइप नंबर फर्स्ट, इसमें दो पार्ट्स होंगे, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दोनों के लिए। इसकी पहचान क्या होगी, इसमें क्यू एक्स जो होगा उसमें लीनियर फैक्टर्स होंगे, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, दोनों के लिए करेंगे हम। ओके, इसको सॉल्व कैसे करना है, हमने एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू, देखिए जब भी हमारे पास लीनियर फैक्टर होगा तो उसको किस फॉर्म में लिखेंगे, कांस्टेंट ए मानेंगे, डिवाइडेड बाय फर्स्ट लीनियर फैक्टर प्लस सेकंड कांस्टेंट मींस बी अपॉन सेकंड लीनियर फैक्टर। अगर हमारे पास थर्ड भी होगा तो उसे लिखेंगे प्लस सी अपॉन थर्ड लीनियर फैक्टर। क्लियर? इसको आगे सॉल्व करेंगे अब, एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू, यहाँ एलसीएम ले लेंगे एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 3, दिस विल बी एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 3, एंड ऊपर हमारे पास आ जाएगा ए, दिस विल बी एक्स माइनस 3 प्लस बी एक्स प्लस 2। ओके, देन यहाँ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस 3 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2। अब क्या करना है हमने, देखिए जब भी हमारे पास नीचे लीनियर फैक्टर होगा तो उस लीनियर फैक्टर में से हम x की वैल्यू निकालेंगे। जैसे फर्स्ट लीनियर फैक्टर लेंगे हम x प्लस 2, इसमें से x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 2। ओके, तो पहले हम x की वैल्यू माइनस 2 इस पूरी इक्वेशन में पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू माइनस 2, देन इसमें पुट करेंगे, देखिए ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू ए इंटू माइनस 2 माइनस 3, और ये बन जाएगा हमारे पास 0। ये सॉल्व करके हमारे पास बनेगा माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 5a, जहाँ a की वैल्यू आ गई 1/5। सिमिलरली नेक्स्ट फैक्टर है हमारे पास x माइनस 3, इसमें से x की वैल्यू क्या आएगी, 3। अब x की वैल्यू 3 पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 3 इन दिस इक्वेशन। नाउ 3 प्लस 1 इज 4 इज इक्वल टू, then this will be 0 because 3 minus 3 is 0 plus b into 3 plus 2, okay, and this is 4 is equal to b, ye aa jayega 3 plus 2 is 5 5b, okay, and this implies b is equal to 4/5। क्लियर स्टूडेंट्स? ए की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, बी की वैल्यू भी आ गई, और हम इसको पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो ये हमारे पास बन जाएगा पार्शियल फ्रैक्शन एज दिस। ये बन जाएगा x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू, a की वैल्यू पुट करेंगे, दिस इज 1/5 डिवाइडेड बाय x प्लस 2, ओके, प्लस b की वैल्यू पुट की हमने, दिस इज 4/5 डिवाइडेड बाय x माइनस 3, दिस इज योर आंसर। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, इसमें क्या है, 3 लीनियर फैक्टर्स आ गए, अब इनको कैसे सॉल्व करना है, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू ए अपॉन फर्स्ट लीनियर फैक्टर प्लस बी अपॉन सेकेंड लीनियर फैक्टर प्लस सी अपॉन थर्ड लीनियर फैक्टर एज दिस। ओके, देन इसको हम सॉल्व करेंगे, पहले ये सेम आ जाएगा इधर इधर का, और इक्वल टू ए के साथ आ जाएगा हमारे पास एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 प्लस बी के साथ आ जाएगा, देखिए x माइनस 2 है यहाँ, तो ये बन जाएगा x माइनस 1 x माइनस 3
प्लस सी के साथ आएगा एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू। जब हम इसका एलसीएम लेंगे एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एंड एक्स माइनस थ्री। ओके, ये इधर से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास पीछे रह जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री प्लस बी इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री प्लस सी इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू। अब ये हैं लीनियर फैक्टर्स। ओके, तो वन बाय वन हम x की वैल्यूज निकालेंगे और इसमें इक्वेशन में पुट करेंगे और इसमें से हमें a, b और c की वैल्यूज मिलेंगी। ओके, पहले हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू वन। नाउ फॉर x इज इक्वल टू वन, तो ये सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा x है वन, तो ये आ जाएगा वन की स्क्वायर इज वन इज इक्वल टू a इंटू वन माइनस टू इज माइनस वन, वन माइनस थ्री इज माइनस टू। नेक्स्ट में देखिए एक्स में जब हम यहाँ वन पुट करेंगे दिस विल बी जीरो प्लस, और यहाँ पुट करेंगे ये भी हमारे पास आ जाएगा जीरो, एंड इसको सॉल्व करके हमारे पास आएगा वन इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस टू इंटू वन इज टू एंड दिस विल बी टू ए, और इसमें से हमें ए की वैल्यू मिल गई वन अपॉन टू। नेक्स्ट नाउ पुट एक्स इज इक्वल टू, नेक्स्ट फैक्टर क्या है हमारे पास एक्स माइनस टू, तो इसमें से हमें एक्स की वैल्यू आई मिलेगी टू। अब एक्स की वैल्यू टू पुट करेंगे इन दिस इक्वेशन एंड दिस विल बी फोर इज इक्वल टू, ये जीरो बन जाएगा प्लस ये बनेगा टू माइनस वन इज वन एंड टू माइनस थ्री इज माइनस वन इंटू बी प्लस, एंड यहाँ टू की वैल्यू पुट करेंगे टू माइनस टू विल बी जीरो, और इस इक्वेशन में से हमें b की वैल्यू मिलेगी दिस विल बी फोर इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस b। ओके, एंड दिस विल बी b इज इक्वल टू माइनस फोर। नेक्स्ट पुट x इज इक्वल टू थ्री, जब हम x की वैल्यू थ्री पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये आ जाएगा थ्री नाइन इज इक्वल टू, देखिए यहाँ थ्री माइनस थ्री इज जीरो प्लस थ्री माइनस थ्री इज जीरो प्लस थ्री माइनस वन इज टू एंड थ्री माइनस टू इज वन सी, एंड दिस एम्प्लाइज सी की वैल्यू आ जाएगी नाइन इज इक्वल टू टू सी, दिस एम्प्लाइज सी की वैल्यू आ गई हमारे पास नाइन अपॉन टू। अब ए बी और सी की वैल्यूज हम पुट कर देंगे ऊपर, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास वन अपॉन टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन माइनस देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस टू प्लस सी की वैल्यू हमारे पास है नाइन अपॉन टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस थ्री, दिस इज आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसमें एक नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है, फाइंड दी कोशेंट ऑफ दिस फ्रैक्शन। तो हमने सिंपली क्या करना है, पहले इसको लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व करेंगे, जैसे इसको हम यहाँ लिखेंगे दिस इज डिविडेंड सिक्स एक्स क्यू प्लस फाइव एक्स स्क्वायर माइनस सेवन, और इसको बाहर लिखेंगे दिस इज थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन विच इज डिवाइजर। ओके, नाउ इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले टू एक्स के साथ, ये बन जाएगा हमारे पास सिक्स एक्स क्यू माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स। ओके, एंड दिस विल बी माइनस प्लस माइनस, साइन चेंज करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, एंड एक्स स्क्वायर है तो 5 प्लस फोर आ जाएगा हमारे पास 9 एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, ये आ जाएगा ऊपर से माइनस सेवन। ओके, अब इसमें क्या करना है, हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3 के साथ, एंड दिस विल बी 9 एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स माइनस 3 माइनस, साइन चेंज करेंगे प्लस प्लस, ये कैंसिल हो गया हमारे पास, ये बन जाएगा हमारे पास 8x माइनस 4। ओके, देन देखिए इसको लिखना कैसे है, ये क्वेश्चन हो गया अगर वन मार्क में पूछा जाए। ओके, दिस इज क्वेश्चन क्लियर, एंड दिस इज रिमाइंडर। अब इसको लिखना कैसे है, देखिए हमने दिस इज इक्वल टू 2x प्लस 3 2x प्लस 3 प्लस देखिए 2x प्लस 3 प्लस 8x माइनस 4 डिवाइडेड बाय दिस डिवाइजर 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। क्लियर स्टूडेंट्स, देन अब इसको हम लिखेंगे 2x प्लस 3 तो एज इट इज ही आ जाएगा प्लस 8x माइनस 4 डिवाइडेड बाय, अब इसके फैक्टर्स बनाएंगे पहले लीनियर फैक्टर्स में चेंज करेंगे इसको, तो ये जब हम इसे लीनियर फैक्टर में चेंज करेंगे तो इसके फैक्टर्स बनेंगे 3x प्लस 1
एंड एक्स माइनस वन। ओके, अब सिर्फ हमें इसे सॉल्व करना है, क्लियर। इसको पार्शियल फ्रैक्शन में लगाना है तो ये बनेगा हमारे पास 8x माइनस फोर डिवाइडेड बाय 3x प्लस वन एक्स माइनस वन इज कॉन्ग्रुएंट इज इक्वलेंट टू a अपॉन, अब इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज इक्वलेंट टू a अपॉन 3x प्लस वन प्लस b अपॉन x माइनस वन, और ये लिखा जाएगा 8x माइनस फोर इज इक्वलेंट टू a इंटू एक्स माइनस वन प्लस बी इंटू थ्री एक्स प्लस वन। एक बार हम x की वैल्यू 1 लेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास a की वैल्यू आएगी, x इज इक्वल टू 1 जब पुट करेंगे तो ये बनेगा 8 माइनस फोर इज 4 इज इक्वल टू 1 माइनस वन इज 0 प्लस बी इंटू थ्री इंटू वन इज 3 प्लस 4, 3 प्लस 1 आ जाएगा ये 4 बन जाएगा। दिस इम्प्लाइज 4 इज इक्वल टू 4b और b की वैल्यू आ गई यहाँ से हमारे पास 1। ओके, देन x की वैल्यू अब पुट करेंगे 3x प्लस 1 में से, देखिए 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो इसमें से हमें 3x इज इक्वल टू माइनस 1 आ गया, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 1 अपॉन 3, माइनस 1 अपॉन 3 पुट करेंगे अब, एंड दिस विल बी 8 इंटू माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 4 इज इक्वल टू a इंटू माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 प्लस, एंड दिस विल बी 0, और इसको हम सॉल्व करेंगे ये बन जाएगा हमारे पास माइनस 8 अपॉन 3 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 3a, एंड दिस इम्प्लाइज ये बनेगा हमारे पास 12 8 आ जाएगा 20, माइनस 20 अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 3a, एंड दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 5, एंड अगेन हम इसकी वैल्यूज को पुट कर लेंगे, a की वैल्यू आ गई हमारे पास 5 एंड b की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, इसको ये बनाए ये पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा और टोटल आंसर आएगा हमारे पास 2x प्लस 3, देखिए 8x माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 1 x माइनस 1 इज इक्वलन टू 2x प्लस 3 प्लस, और इसको क्या लिखा है हमने दिस वन, a की वैल्यू पुट करेंगे 5 अपॉन 3x प्लस 1 प्लस, और b की वैल्यू है हमारे पास 1, दिस इज 1 अपॉन x माइनस 1, दिस इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ टाइप नंबर सेकंड में क्वेश्चंस कैसे होंगे, इसमें देखिए ऊपर भी एक्स स्क्वायर और नीचे भी मीन्स हर एक फैक्टर में हमारे पास एक्स स्क्वायर होगा, इसकी ये पहचान होगी। ओके, सिंपली क्या करना है हमने, पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, सभी जगह पर एक्स स्क्वायर को हमने वाई पुट कर देना है, तो ये हमारे पास बन जाएगा वाई प्लस वन डिवाइडेड बाई वाई प्लस टू वाई प्लस थ्री, एंड इसको हम लिख सकते हैं अब इक्वलन टू, देखिए लीनियर फैक्टर ही बन गई ये वाई प्लस टू वाई प्लस थ्री, तो इसको लिखने का मेथड है कांस्टेंट मींस ए अपॉन वाई प्लस टू, जो हमने टाइप नंबर फर्स्ट में सॉल्व किया है उसी के अकॉर्डिंग करना है इसको भी हमने, बी अपॉन वाई प्लस थ्री। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे, नाउ दिस विल बी वाई प्लस वन इज इक्वल टू, इसको डायरेक्टली कर रही हूँ मैं, ए इंटू ये बनेगा एलसीएम लेकर हमारे पास वाई प्लस थ्री प्लस बी इंटू वाई प्लस टू। ओके, एंड ये जो एलसीएम होगा ये दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। ओके, अब हमारे पास जो लीनियर फैक्टर्स होंगे इसमें वन बाय वन हमने वाई की वैल्यू पुट करनी है, पहले हम पुट करेंगे वाई इज इक्वल टू माइनस टू, नाउ पुट वाई इज इक्वल टू माइनस टू इन दिस इक्वेशन, एंड इक्वेशन विल बी देखिए माइनस टू प्लस वन इज इक्वल टू ए इंटू माइनस टू प्लस थ्री प्लस माइनस टू प्लस टू विल बी जीरो, एंड दिस विल बी माइनस वन इज इक्वल टू ए, तो हमारे पास ए की वैल्यू आ गई माइनस वन, एक ए की वैल्यू आ गई। अब बी की वैल्यू के लिए वाई की वैल्यू आप पुट करेंगे नेक्स्ट लीनियर फैक्टर में से माइनस थ्री, नाउ पुट वाई इज इक्वल टू माइनस थ्री, एंड दिस विल बी माइनस थ्री प्लस वन इज इक्वल टू ए इंटू माइनस थ्री प्लस थ्री इज जीरो प्लस बी इंटू माइनस थ्री प्लस टू, एंड दिस इम्प्लाइज माइनस थ्री प्लस वन इज माइनस टू इज इक्वल टू, देन माइनस थ्री प्लस टू इज माइनस वन इंटू बी, एंड दिस इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू टू, हमारे पास बी की वैल्यू आ गई टू, तो ये बन जाएगा वाई, देखिए अगेन हम वाई को वाई प्लस वन डिवाइडेड बाय वाई प्लस टू वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू ए इज माइनस वन अपॉन वाई प्लस टू प्लस, एंड पी की वैल्यू है टू अपॉन वाई प्लस थ्री, और इसको अगेन हम
y को x स्क्वायर ही पुट कर देंगे और ये हमारे पास बन जाएगा आंसर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री. दिस विल बी योर आंसर. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट टाइप नंबर थर्ड में जो क्वेश्चन होंगे, देखिए लीनियर फैक्टर जो आ गए हमारे पास वो रिपीटेड होंगे. अब जैसे x प्लस टू का होल स्क्वायर आ गया. अब इसको लिखने का मेथड क्या होगा, जहां देखिए लीनियर फैक्टर भी है और रिपीटेड लीनियर फैक्टर भी है, तो इसको सिंपली लिखेंगे कैसे, a अपॉन जैसे जो भी लीनियर फैक्टर है पहले x माइनस थ्री इज अ लीनियर फैक्टर. ओके, तो इसको हम लिखेंगे a अपॉन x माइनस थ्री टाइप नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड के अकॉर्डिंग, प्लस b अपॉन जो अब लीनियर फैक्टर रिपीटेड है उसको सॉल्व करेंगे. दिस विल बी एक्स प्लस टू लिखेंगे पहले इसको, प्लस देन सी अपॉन एक्स प्लस टू की होल स्क्वायर. अगर देखिए यहाँ क्यूब होगा तो उसको लिखेंगे देन डी अपॉन एक्स प्लस टू की होल क्यूब. जहां तक उसकी पार होगी वहां तक ही उसको सॉल्व करेंगे कॉन्स्टेंट के ऊपर लगाकर. ओके, जैसे ए अपॉन लीनियर फैक्टर प्लस जो हमारे पास लीनियर फैक्टर होगा रिपीटेड उसको हम लिखेंगे बी अपॉन एक्स प्लस टू प्लस सी अपॉन देन एक्स प्लस टू की होल स्क्वायर. क्लियर स्टूडेंट्स, अब इसे सॉल्व करेंगे देन दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू की होल स्क्वायर एक्स माइनस थ्री. अब इसका एलसीएम ले लेंगे नीचे, एलसीएम क्या होगा इसका, एक्स प्लस टू की होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस थ्री और ऊपर हमारे पास सॉल्व करके आएगा ए इंटू, देखिए एक्स माइनस थ्री है तो एक्स प्लस टू की होल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स प्लस टू है तो एक्स प्लस टू का ये बनेगा हमारे पास एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस टू प्लस सी इंटू एक्स प्लस टू की होल स्क्वायर है तो हमारे पास आएगा एक्स माइनस थ्री. ओके स्टूडेंट, सिंपली क्या करना है हमने, देखिए मेथड ये अप्लाई कर रही हूं मैं, ऊपर एलसीएम लिखिए डिवाइडेड बाय जो भी डीनो में फैक्टर है उसे लिखिए, जो आएगा उसके साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे. फॉर एग्जाम्पल देखिए ए के टाइम हमने मैं क्या किया, जो भी हमारे पास एलसीएम जैसे ये आ गया एलसीएम, इसको एक्स माइनस थ्री के साथ डिवाइड कर दिया मैंने, तो एक्स माइनस थ्री डिवाइड कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास रह जाएगा एक्स प्लस टू की होल स्क्वायर और उसके साथ ही हम मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके, और नेक्स्ट में देखिए एक्स प्लस टू के साथ जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास रह जाएगा एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस टू एज दिस. ओके स्टूडेंट्स, नाउ एलसीएम कैंसिल हो जाएगा और पीछे हमारे पास रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस टू की होल स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस टू प्लस सी इंटू एक्स माइनस थ्री. अब हम देखिए जो भी लीनियर फैक्टर्स होंगे, जैसे हमारे पास ये भी लीनियर फैक्टर है ये भी लीनियर फैक्टर है, तो पहले तो इनको सॉल्व करेंगे एक्स की वैल्यू के अकॉर्डिंग. पहले ये लीनियर फैक्टर लेंगे, इसमें से हमारे पास एक्स की वैल्यू आएगी थ्री, तो फॉर x इज इक्वल टू थ्री इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू थ्री पुट करेंगे, दिस विल बी नाइन प्लस वन इज इक्वल टू a एंड थ्री प्लस टू इज फाइव, फाइव का होल स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास ट्वेंटी फाइव. प्लस देखिए थ्री माइनस थ्री इज जीरो, नेक्स्ट में भी थ्री माइनस थ्री इज जीरो, तो इसमें से हमें a की वैल्यू मिल गई टेन अपॉन ट्वेंटी फाइव विच इज टू अपॉन फाइव. ओके, दैट मीन्स a की वैल्यू आ गई टू अपॉन फाइव. देन नेक्स्ट अब हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू, देखिए x इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ से, अब हम हमारे पास माइनस टू, माइनस टू पुट करेंगे, दिस विल बी फोर प्लस वन इज इक्वल टू माइनस टू प्लस टू इज जीरो बन जाएगा जी. नेक्स्ट में भी माइनस टू प्लस टू इज जीरो एंड नेक्स्ट c में माइनस टू माइनस थ्री इज माइनस फाइव सी एंड दिस इम्प्लाइज हमारे पास आ गया c की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन, क्योंकि ये आ गया फाइव इज इक्वल टू माइनस फाइव सी, तो हमारे पास c की वैल्यू आ गई माइनस वन. अब रह गई देखिए b की वैल्यू. नाउ b की वैल्यू के लिए क्या करना है हमने, देखिए जो ये इक्वेशन होगी इसमें x प्लस टू की जैसे होल स्क्वायर है तो इसको हमने एक्स स्क्वायर को पहले खोल देना है सभी को. ओके, दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू ए, दिस विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दिस विल बी 4x प्लस b, ये आ जाएगा देखिए x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x इज माइनस एक्स देन माइनस 6 प्लस c इंटू एक्स माइनस 3. अब इसमें हम एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर के कॉफिशियंट्स को इक्वेट करेंगे. ओके, देन इक्वेटिंग कॉफिशियंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के कॉफिशियंट से इक्वेट करेंगे तो हमारे पास देखिए एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट इज वन इज इक्वल टू, यहाँ भी एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट इज ए
प्लस यहाँ एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट इज बी बी। अब ये हमारे पास आ गई इक्वेशन, इसमें हम ए की वैल्यू पुट कर लेंगे 2/5, यहाँ सी का जीरो ही हो जाएगा। 1 = 2/5 प्लस बी, दिस इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू 1 - 2/5 विच इज 3/5। ओके, अब ए बी और सी तीनों की वैल्यूज आ गई हमारे पास, इन तीनों की वैल्यूज को पुट करेंगे जो भी हमने एज्यूम किया था। ओके, दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 1/(x+2)2 x-3 = 2। ए की वैल्यू है हमारे पास 2/5 / x-3 प्लस बी की वैल्यू है 3/5 / x+2 प्लस सी की वैल्यू है हमारे पास -1/(x+2)2। दिस इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट टाइप एंड लास्ट टाइप इज व्हेन क्यू एक्स कंटेन्स क्वाड्रेटिक फैक्टर, जहां हमारे पास लीनियर फैक्टर भी है एंड क्वाड्रेटिक फैक्टर भी है। लीनियर फैक्टर को तो लिखना है, जैसे a/ax+3 लिख लिया हमने, और क्वाड्रेटिक फैक्टर को लिखने का मेथड है कॉन्स्टेंट इंटू एक्स प्लस सेकेंड कॉन्स्टेंट, जैसे bx+c/quadratic factor। ओके, यहाँ तीन तरह के हो गए, एक हो गया लीनियर फैक्टर, एक हो गया लीनियर फैक्टर, और इसको हमने लिखना है कांस्टेंट अपॉन लीनियर फैक्टर। सेकंड हो गया हमारे पास रिपीटेड, रिपीटेड को कैसे लिखेंगे, कांस्टेंट अपॉन पहले जो भी रिपीटेड फैक्टर का लीनियर फैक्टर होगा, ओके, प्लस बी अपॉन इस लीनियर फैक्टर का होल स्क्वायर होगा, अगर थर्ड भी डिग्री है इसकी पार है तो उसको लिखेंगे प्लस सी अपॉन की पार 3 आ जाएगा। अब ये थर्ड है जिसमें है क्वाड्रेटिक फैक्टर, क्वाड्रेटिक फैक्टर है हमारे पास, इसको लिखेंगे bx+c। ओके स्टूडेंट्स, अब इसे सॉल्व करेंगे, दिस विल बी 3x²+7/(x+3)2+1 = इसका एलसीएम ले लेंगे, दिस विल बी x+3 x² + 1, एंड ऊपर हमारे पास आ जाएगा a(x²+1)। देखिए एलसीएम को x+3 के साथ जब हमने डिवाइड किया तो हमारे पास रह जाएगा x²+1, तो इसको x²+1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस, अब इसको अलग अलग ही लिखेंगे bx, इसके साथ आ जाएगा x+3 प्लस c(x+3)। ओके, अब ये एलसीएम कैंसिल हो गया और हमारे पास इक्वेशन रहेगी 3x²+7 = a(x²+1)b(, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए x²+3x + c(x+3)। ओके, नाउ देखिए जो भी लीनियर फैक्टर होगा उसको पहले यूज करेंगे हम, जैसे x+3 है तो इसको यूज करेंगे x = -3 पुट करके इसमें। नाउ फॉर x = -3 दिस इक्वेशन विल बी -3 पुट कीजिए इसमें, ये आ जाएगा हमारे पास 3 - 3² + 7 = a(-3)² = 9 + 1 प्लस बी इंटू, देखिए -3² = 9, वैसे भी इसमें -3 + 3 जब पुट करेंगे दिस विल बी 0 प्लस सी इंटू -3 + 3 = 0, एंड दिस इम्प्लाइज दिस विल बी 9 * 3 = 27 + 7 = 10 * a, एंड दिस विल बी 34 = 10 a, जिसमें से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी 17/5, a की वैल्यू आ गई यहाँ। ओके, देखिए हमारे पास जो भी लीनियर फैक्टर था x = -3 इसको हमने पुट कर लिया है, अब आगे क्या करना है, इसके कॉफिशियंट्स को इक्वेट करेंगे नेक्स्ट b एंड c को फाइंड आउट करने के लिए। ओके, अब इक्वेट करेंगे पहले x² के कॉफिशियंट, इक्वेटिंग कॉफिशियंट्स ऑफ x² का कॉफिशियंट क्या है, यहाँ 3 = राइट साइड में a प्लस बी, सी का कॉफिशियंट, ये x² का कॉफिशियंट यहाँ है नहीं तो ये 0 हो जाएगा प्लस 0, दिस इम्प्लाइज 3 = a की वैल्यू पुट करेंगे दिस इज 17/5 प्लस बी, तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी 15 - 17/5 विच इज b = -2/5, b की वैल्यू आ गई। ओके, नाउ नेक्स्ट हम अब इक्वेट करेंगे x का कॉफिशियंट, यहाँ x है नहीं तो इसका कॉफिशियंट क्या आ जाएगा 0 = यहाँ भी है नहीं तो ये भी आ जाएगा 0 प्लस,
अब यहाँ 3b आ गया, ओके, प्लस यहाँ x का कॉफिशियंट क्या होगा, c। इसमें आप b की अगेन वैल्यू पुट करेंगे, नाउ दिस विल बी 0 इज इक्वल टू 3 इंटू माइनस 2 अपॉन 5 प्लस c, एंड दिस विल बी c इज इक्वल टू, ये आ जाएगा देखिए माइनस 6 अपॉन 5, तो उधर लेकर जाएंगे तो ये बनेगा 6 अपॉन 5, ये आ जाएगी c की वैल्यू। अब तीनों की वैल्यूज आ गई, अब इन तीनों की वैल्यूज को हम पुट कर देंगे जो भी हमने एज्यूम किया है, एज दिस 3x² प्लस 7 डिवाइडेड बाई x प्लस 3x² प्लस 1 इज इक्वल टू, इसके पार्शियल फ्रैक्शंस क्या होंगे, अब a की वैल्यू पुट की हमने 17 अपॉन 5 अपॉन x प्लस 3, एंड b की वैल्यू पुट की प्लस माइनस 2 अपॉन 5 डिवाइडेड बाई x² प्लस 1 x, ओके, प्लस और c की वैल्यू क्या है हमारे पास 6 अपॉन 5, एज दिस, ये आ गया हमारा आंसर। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया पार्शियल फ्रैक्शंस, चारों टाइप्स इसकी कंप्लीट हो गई हैं यहाँ। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।